नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। उत्तराखंड की धामी सरकार अभी कोरोना को लेकर कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं दिख रही है। इसी के चलते सरकार ने फिर एक बार कोविड कर्फ्यू की मियाद एक हफ्ते बढ़ा दी है। जी हां, हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार ने तीसरी लहर के खतरे के चलते जोखिम ना उठाते हुए कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है। इस हफ्ते भी रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास ध्यान दिया जाएगा। याद हो कि शासन ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी थी, जिसे बीते हफ्ते 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। हालांकि कोविड कर्फ्यू में फिलहाल सरकार ने काफ़ी रियायत दी हुई है, जैसे कि बाजार हफ्ते में 6 दिन सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक खुल रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुल रहे हैं, सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुल रहे हैं, तो वहीं राज्य के अंदर आवाजाही में छूट दी गई है। वहीं अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को भी राहत दे दी गई है। अन्य राज्यों से आने वालों ने अगर 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो तो उनको कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके लिए कोविड जाँच की निगेटिव रिपोर्ट जरूरत की गई है। शॉपिंग मॉल जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को भी अनुमति पहले ही दे दी गई है। अब सरकार के फैसले के अनुरूप कोविड कर्फ्यू को 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ाने के संबंध में शासन ने सोमवार शाम आदेश जारी कर दिए हैं। तो कोविड कर्फ्यू की इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। नमस्कार।